In this question, we have two infinite solenoids of radius r and 2r. Initially, there is no current in solenoids. Now, current starts increasing linearly such that current in inner is double of outer at an instant. Both have same number of turns per unit length. A charged particle initially at rest performs circular motion of radius small r. Find r in terms of capital R. तो दो सोलनॉइड जैसे बताया गया यहाँ पर इसमें, और इनिशियली कोई करंट नहीं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर इसमें करंट आई है तो अंदर वाले में जो करंट है वो 2i है. रेडियस इनके r एंड 2r है यहाँ पे, और जब यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो एक चार्ज पार्टिकल को जब यहाँ पे रखा गया तो वो सर्कुलर मोशन करने लग गया यहाँ पर इसमें. चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था, लेकिन उसके बाद वो सर्कुलर मोशन उसने करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे. अब ये जब सर्कुलर मोशन यहाँ पर अगर ये कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसको एटलीस्ट सेंट्रीपेटल फोर्स तो मिलना चाहिए. देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता जाता है. तो पहले तो हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एनालिसिस देखते हैं, और यहाँ पर क्योंकि करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्सेस भी होंगे और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्सेस भी होंगे. तो पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि पार्टिकल के लोकेशन पे, एट द लोकेशन ऑफ पार्टिकल, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड. तो पहले तो हम इन जनरल दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं कि दोनों इंडिविजुअली क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे पार्टिकल के लोकेशन पे कितना क्रिएट कर रहे हैं. तो एक सोलेनॉइड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर वाले रीजन में प्रोड्यूस करती है. अगर हम आइडियल लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर ही है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से नेग्लिजिबल या जीरो है. तो ये जो भी सोलेनॉइड है ये इसका जो सिलेंड्रिकल रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. ये जो बाहर वाले सोलेनॉइड है ये अपने अपना जो भी रीजन है, यानी कि जो 2R का रीजन है, उसके अंदर यहाँ पर पूरे में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. तो अंदर वाले सोलेनॉइड जो पाई आर स्क्वायर का जो रीजन मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और बाहर वाले सोलेनॉइड जो ये पाई इंटू 2R का स्क्वायर कुछ इस तरीके का जो एरिया दिख रहा है उस एरिया मैग्नेटिक फील्ड मुझे इस डायग्राम में दिखाई देगा. अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडिविजुअली ये क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो अंदर वाला है यहाँ पर है वो खुद कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पर करंट लिख लेता हूँ कि इनमें करंट क्या होगा किसी भी टाइम पे. तो किसी भी टाइम पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि करंट टाइम के साथ वेरिएबल है यहाँ पे. तो मैं आई को अज्यूम कर लेता हूँ के टी, क्योंकि लीनियरली वेरी कर रहे हैं यहाँ पे और इनिशियली जीरो है. तो आई के टी है तो 2i 2 KT हो जाएगा. तो अगर ये के टी करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें किसी भी टाइम पर जो करंट होगा वो 2 KT के बराबर हो जाएगा, और इससे फिर आप मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो. तो जो अंदर वाली यहाँ पर सोलेनॉइड है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन को मैं अज्यूम कर रहा हूँ खुद से, और आई यहाँ पर इसके लिए 2i है, तो 2i यहाँ पे हो जाएगा 2 KT. फिर जो आउटर सोलेनॉइड है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, जहाँ पर भी कर रही है कितना कर रही है, म्यू नॉट एन आई. तो आई तो वहाँ पर आई है, के टी के बराबर हो गया यहाँ पर ये. एट द लोकेशन ऑफ पार्टिकल, एट लोकेशन ऑफ पार्टिकल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एट लोकेशन ऑफ पार्टिकल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड. तो सिंपली आप देखो कि ये जो रीजन है ये रीजन अंदर वाले के लिए तो आउटर रीजन हो जाएगा, बाहर वाले के लिए इनर रीजन हो जाएगा. तो सिर्फ बाहर वाली जो सोलेनॉइड है वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है यहाँ पे. तो इसका मतलब है कि ये जो B है वो एक तरीके से B आउटर है सिर्फ यहाँ पर, और ये मी नॉट एन के टी के बराबर हो जाएगा. ये तो बात रही मैग्नेटिक फील्ड की. मैग्नेटिक फील्ड जो डायग्राम में मैंने डायरेक्शंस दिखा रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली हर जगह पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी वो ऐसे इनवर्ड बनेगी. जस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह थोड़ी अलग अलग होगी. यहाँ पे जैसे जो सबसे अंदर वाला रीजन है इसमें बाहर वाले भी प्रोड्यूस करेंगे और अंदर वाले प्रोड्यूस करेंगे, मतलब दैट इज़ डिफरेंट थिंग. लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे पार्टिकल के लोकेशन पे फिलहाल यहाँ पे लिखा है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है क्योंकि जब टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, और सिलेंड्रिकल रीजन के लिए स्पेसिफिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक सर्कुलर लूप फॉर्म करता है, क्लोज लूप फॉर्म करता है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को अगर इस लोकेशन पे चाहिए तो इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं. या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली फॉर्मूला हमको आता है उसका हम यूज़ कर लें, या फिर हम यहाँ पर जो हमारे एक्चुअल मेथड्स होते हैं जो डेरिवेशन करने में यूज़ होते हैं उनका यूज़ कर लें. तो पहले तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फार्मूलेज होते हैं उनका मैं यूज़ कर लेता हूँ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूलेज एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या क्या फार्मूलेज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के.
अगर कोई भी यहाँ पर ये सोलेनोइड या सिलेंड्रिकल रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और सपोज इस रीजन की जो रेडियस है वो आर के बराबर, तो अगर मैं एक पॉइंट इस रीजन के अंदर लेता हूँ, एक पॉइंट अगर मैं इस रीजन के बाहर लेता हूँ, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर इंड्यूस होता है या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इतनी इतनी होती है, अंदर वाले पॉइंट पर होती है, ये डिस्टेंसेज आर होते हैं यहाँ से, सेंटर से डिस्टेंस या एक्सिस से डिस्टेंस, तो आर बाई टू। इसके बाद में ये जो भी पूरा मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बस उसी की हम बात करते हैं, वो यूनिफॉर्म होता है, बस टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा होता है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इस पॉइंट पे किसी भी टाइम पे उतना ही होगा, इस पॉइंट पे किसी भी टाइम पे उतना ही होगा। यूनिफॉर्म का मतलब है स्पेस में यूनिफॉर्मिटी, हर जगह पे किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे इक्वल है इस पूरे रीजन में, और वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। डिफरेंट टाइम पे हम जाएंगे तो यहाँ का बदल जाएगा, लेकिन जितना यहाँ का बदलेगा उतना यहाँ का बदलेगा, यानी कि हर जगह किसी मोमेंट पे हर जगह पे बराबर रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अलग अलग होता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ई वन। ई वन इज़ आर बाई टू, किस रेट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है जो ये सोलॉइड प्रोड्यूस कर रही है डे बाई डे। और बाहर वाले पॉइंट्स पे ई टू, दिस इज़ आर स्क्वायर बाई टू आर डे बाई डे। तो अगर मैं इसका यूज़ करके पार्टिकल जहाँ पर है उस लोकेशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूँ, तो ये कुछ ऐसे करना पड़ेगा हमको यहाँ पर ई वन, ई सॉरी ई। अब अगर मैं अंदर वाले की बात करूँ, तो अंदर वाले के लिए ये बाहर है, तो इसका मतलब है कि हमें बाहर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो जो रेडियस है वो तो आर के बराबर है और डिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर, तो आर स्क्वायर बाई टू आर। और अंदर वाले जो सोलनॉइड है वो किस रेट से अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, ठीक है, अपना खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस रेट से चेंज कर रही है, तो डी बाई डी टी ऑफ अंदर वाले का मैग्नेटिक फील्ड, तो मी नॉट एन टू के टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। फिर उसके बाद में दूसरे का भी मैं ऐड कर देता हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन में करेंगे यहाँ पे, और क्योंकि जो डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखा रखा है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, उसके वजह से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बाहर वाले की वजह से लिखना चाहता हूँ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर इंड्यूस हुआ, तो बाहर वाले के लिए पॉइंट अंदर होगा और फॉर्मूला आर बाई टू वाला होगा, तो आर बाई टू डी बी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ, तो बाहर वाला कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मी नॉट एन के टी। तो थोड़ा केयरफुल होकर हमें वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी होंगी। अब इनको डिफ्रेंशिएट करोगे तो मी नॉट एन के वगैरह सभी में कॉमन आ जाएंगे, तो मैं इनको कॉमन लेता हूँ, मी नॉट एन के विल बी कॉमन फॉर ऑल। और यहाँ पे टू ये जो होगा और वो इस टू के साथ कैंसिल भी हो जाएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा, तो ये बचा आर स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे आगे क्या बचेगा इसमें, तो ये टी का डिफरेंशिएशन वन हो गया, मी नॉट एन के कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, तो आर बाई टू। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप ऐसे लिख लो, मी नॉट एन के बाई टू आर, टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ पार्टिकल। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूसरा मेथड है वो भी मैं यहाँ पर एक बार कर देता हूँ। दूसरे मेथड में हम यूज़ करेंगे जो हम डेरिवेशन में जनरली यूज़ किया करते हैं। तो डेरिवेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करते हुए इसको यहाँ पे देख लेते हैं, मेथड नंबर टू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ दिस मेथड, तो लेट अस डू दिस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड में लिख लेते हैं ई डॉट डी एल। बेसिकली इससे हमें क्या मिलता है, ई डॉट डी एल लिखने से, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ये, और इस तरीके के फोर्सेज का जो वर्क डन होता है दैट इज़ कॉल्ड ई एम एफ। जिस तरीके से बैटरी होती है, स्टेल होता है, तो बैटरी में क्या होता है, जो केमिकल फोर्सेज होते हैं वो एक तरीके से वर्क करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज का रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे ये जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन कंजर्वेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही चार्जेस को मूव कराने के लिए ड्राइविंग फोर्स होता है, करेंट्स को चलाने के लिए। तो ई डॉट डी एल, तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉन एज ई एम एफ, और एक फराडे लॉ का यूज़ करके वी कैन फाइंड ई एम एफ डी फाई बाई डी टी। इसमें हम कोई माइनस वगैरह का मैं साइन यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मेरे को मैग्नीट्यूड से मतलब है, मेरे को जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए इनके। तो डी फाई बाई डी टी लिखने के लिए यू हैव टू फर्स्ट राइट द फ्लक्स। तो आपको पहले यहाँ पे फ्लक्स लिख लेना होगा कि फ्लक्स यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहले मैं फ्लक्स के कैलकुलेशन यहाँ पर एक बार कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डी फाई बाई डी टी पाता हूँ। तो फाई, तो फ्लक्स, अब फ्लक्स कहाँ पर, तो ये जो एक लूप है यहाँ पर, इस लूप के अंदर अंदर कितना फ्लक्स है,
और उस फ्लक्स में आप देख लो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आएंगे यहाँ पे, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड से आप फ्लक्स निकालोगे। तो मैं पहले अंदर वाले जो कॉयल है, तो अंदर वाली कॉयल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस कैपिटल आर वाले रीजन में ही होगा। तो अंदर वाली कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मी नॉट एन टू के टी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर ओनली, क्योंकि पाई कैपिटल आर स्क्वायर इसी के अंदर उसका मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर कन्फाइंड है। फिर इसके बाद में आगे बाहर वाले का मैग्नेटिक, बाहर वाले के फील्ड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर वाले का तो 2R तक है लेकिन हमें तो स्मॉल R तक चाहिए, तो ये हो जाएगा मी नॉट एन के टी, इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है पाई पाई, और यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल R स्क्वायर, यहाँ तक है ये। तो इसमें आप इसका डी फाइव बाई डी टी कर लो और कुछ कॉमन जो होता है वो कॉमन ले लो, तो डी फाइव बाई डी टी इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो मी नॉट एन के, ये तो आप दोनों में कॉमन ले सकते हो, तो मी नॉट एन के विल बी कॉमन, टी का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, पाई भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा टू आर स्क्वायर, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो बचेगा तो यहाँ पर बचा आपका आर स्क्वायर ओनली। तो ये डिफाइबिलिटी हो गया, डिफाइबिलिटी को ई डॉट डी एल, तो ई डॉट डी एल इसकी जो वैल्यू होगी वो ई इंटू टू पाई आर के बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि ई मैग्नीट्यूड वाइज हर जगह कॉन्स्टेंट होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज हर जगह सेम होगा, तो और टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी होगा, तो ई इंटू टू पाई आर हो जाएगा, तो दिस इज ई इंटू टू पाई आर। यहाँ से आप देख सकते हो टू पाई आर को उधर ले जाओ तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और टू आर नीचे आ जाएगा, तो जैसे यहाँ पर आ रहा है मी नॉट एन के बाई टू आर, टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एग्जैक्टली आपको वही वैल्यू यहाँ से ही मिल जाएगी। तो दोनों तरीके से मैंने यहाँ पर देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब तक हमने ये देख लिया कि एट द लोकेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की जो लोकेशन है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, तो मी नॉट एन के टी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उस लोकेशन पे कितना होगा ये हमने देख लिया यहाँ पर। अब जस्ट हमें इसका मैकेनिक्स का पार्ट कर लेना है, तो मैकेनिक्स का पार्ट सपोज इस तरीके के सर्कुलर मोशन वाले पार्ट पे, पाथ पे यहाँ पर ये घूम रहा है ये चार्ज पार्टिकल, तो इसको यहाँ पर जो सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए, तो वो सेंट्रिपेटल फोर्स यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। एक बार हम डायग्राम में, डायग्राम के हिसाब से मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आया था, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके पास किसी भी टाइम पर सपोज जैसे वेलोसिटी जनरेट होती है, तो आप वी क्रॉस बी करके देख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर इस पर। तो अब मैं इक्वेशन से यहाँ पर लिख देता हूँ सर्कुलर मोशन की इक्वेशन, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, तो क्यू वी बी दिस इज दी सेंट्रिप, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस वुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आप यहाँ पे देख लो कि जो स्पीड होगी इसकी वो टाइम का फंक्शन होगा, और कैसा फंक्शन होगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट होगा, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब है कि वी जो है वो टाइम का लीनियर फंक्शन होगा। इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी टाइम का लीनियर फंक्शन है, तो टी और टी, टी स्क्वायर आएगा यहाँ पर। स्पीड मैंने खुद देख लिया यहाँ पर टाइम का लीनियर फंक्शन है, तो वी स्क्वायर में टी स्क्वायर आएगा, तो इधर भी टी स्क्वायर आएगा उधर भी टी स्क्वायर आएगा, वो आपस में कैंसिलेशन हो जाएंगे, तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार वेरिएबल्स बहुत दिखते हैं लेकिन वो कैंसिलेशन हो जाते हैं उनके। तो वैसे तो एक वी को आप डायरेक्टली यहीं पे कैंसिल कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वी यहीं पे कैंसिल हो गया एक। तो अब मैग्नेटिक फील्ड के जो वैल्यू है वो मैं उठा के यहाँ से रख देता हूँ, तो मी नॉट एन के टी। अब यहाँ पर आप ये देखो कि एम बाई आर, और ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी को आप यहाँ पर लिख सकते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब यहाँ पे मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो दिस मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल गिव द टेंजेंशियल फोर्स, एंड दैट टेंजेंशियल फोर्स इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, और ये क्या हो जाएगा क्यू ई के बराबर हो जाएगा। तो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिस इज सिंपली क्यू ई, तो क्यू ई लिख लिया इसको, और ये टी आप कैंसिल कर लो, तो टी खत्म हो चुका है, तो क्यू मी नॉट एन के, और मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल फोर्स विच इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली क्यू ई बाई आर। तो ये क्यू और ये क्यू भी यहाँ से गया। अब इसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट वैल्यू पुट कर लो, आर को आप चाहो तो उधर ले जाओ, तो मी नॉट एन के आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं, तो मी नॉट एन के बाई टू आर, टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो मी नॉट एन के विल बी कैंसल्ड, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो टू आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, विच इज़ आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर,
और यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो आर इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स आर, तो इतना रेडियस होना चाहिए तब जा करके वो इस तरीके से आर रेडियस के सर्किल में यहाँ पर मूव कर पाएगा। और आप देख सकते हो कि बाकी सब कुछ बड़े आराम से यहाँ पे कैंसिल हो गया और जो फाइनल आंसर है वो कैपिटल आर के टर्म्स में आ गया।